खेतों के अंदर इतना इतना पानी में जाकर के आप धान की रोपाई करते हैं कि नहीं? तो वहां पे कोई कीड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इन जूतों का प्रयोग अगर खेती में करें तो क्या आप सुरक्षित हैं कि नहीं है? है ना, बल्कि करना चाहिए। हम लोग नहीं करते क्यों? क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। अब आप लोग यहाँ पर हैं, आप लोग को जानकारी मिली कि नहीं यार ऐसा रबड़ वाला बड़ा जूता होता है कि अगर हम खेत में दो घंटा तीन घंटा, अब सोचो पानी में अगर आप तीन घंटा चार घंटा खड़े रहोगे तो आपके पैर कैसे हो जाएंगे, हो जाएगा ना? तो वो सफेद उसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं, हमारा स्किन खराब होने लगता है। ठीक है, उसमें आपने देखा वो फंगस आ जाता है, पिछली होती है ना, जो लोग पानी में काम करते हैं उनसे पूछिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में बचने के लिए हमें इन जूतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसे गम बूट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसमें भी दो तरह का आता है, एक सादा गम बूट और एक जो है जिसमें लोहा लगा होता है, जैसे हमारे जूते हमने पहने हुए हैं ना उनमें लोहा लगा है, उसी तरीके से रबड़ वाले गम बूट के अंदर भी लोहा लगा होता है। ठीक है, तो वो सुरक्षा के लिए, जैसे हम वजन वाला कोई काम कर रहे हैं या कुछ उठाना उठाना है तो उस समय उसका प्रयोग करेंगे। और बाकी जो सादा वाला है, जब हमें पानी में काम करना है या ऑपरेटिंग का काम करना है तो उस समय हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ जितने लोग हैं और जो लोग घर में खेतों में काम करते हैं छुट्टी में जाकर के, तो ऐसे जूते का प्रयोग करें और अपने पैरों को सुरक्षित रखेंगे। और दूसरे जो हमारे गांव में और साथी लोग हैं उनको भी हम सिखाएंगे कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम खेती करते समय हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, सुरक्षा के लिए, किसी और के लिए नहीं। अगर मान लो आपका पैर खराब होगा, कोई पानी का सांप आकर के काट दिया या कुछ हो गया।